So hello friends, welcome to my channel. I'm Inquiry Center. So today I'm going to explain about the list of 8 standard in the third chapter, that is the bus ki yatra. बस की यात्रा। तो पहला कारण की ओर चलते हैं। हम पांच मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले पन्ना से। इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से दो को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। तो यहाँ पे कुछ लोग यात्रा में जा रहे थे, तो यहाँ पांच मित्रों ने एक तय किया कि यह शाम 4 बजे की बस से यात्रा में चलेंगे पन्ना एक जगह से। इसी कंपनी का बस सतना एक पन्ना से सतना तक के लिए घंटे बर्बाद मिलती है। तो एक घंटे बाद वहाँ मिलती है, जो जबलपुर पहुँचती है। तो हाँ, जबलपुर उसी समय वापस वहाँ पर पहुँचती है। तो सुबह इन्हें घर पहुँचाएंगे यहाँ घर पहुँचाएंगे इन्हें, क्योंकि इन्हें इन पांचों में से कुछ लोगों को काम पे जाना था, इसलिए यह बस पकड़ना इन्हें बहुत ज़रूरी था। मगर लोगों की यह सलाह थी कि शाम को इस बस को पकड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि डाकू नहीं, यह बस ही डाकिन यह लोग कहते हैं। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वैभूत थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करते करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यहाँ बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है। तो वहाँ बस वहाँ को देख कर तो बहुत श्रद्धा उमड़ रही थी, क्योंकि खूब वयोवृद्धि थी। वहाँ बहुत पुराना बस था, यह सदियों से चल रहा था, इसलिए तो लोग इससे सफ़र नहीं करना चाहते, क्योंकि उस व्यवस्था में पुराने बस को कष्ट नहीं देना चाहते थे, इसलिए वह लोग इस बस में सफ़र नहीं करना चाहते थे। तो चलिए, बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है या हाँ जी और कैसे चलेगी। तो यह बस पहुँच बस पकड़ने के लिए पहुँच गए। तो इन्होंने बस पर बैठा तो बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उस बस में ठहरे थे। तो उन्होंने पूछा उनसे, इन पांच दोस्तों में से एक ने पूछा उनसे, क्या ये यह बस चलती है? तो उन्होंने कहा, यह बस चलती है, अभी चलेगी, शुरू हो जाएगी। तो इन्होंने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है, वही तो हम देखना चाहते हैं कि यह अपने आप ही चलती है। हाँ जी और कैसे चलेगी? बस अपने आप ही चलेगी ना, वहाँ बोलता है। तो गाँव तो गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो
बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। तो गांव तो गजब यह सब पूछने के बाद और कैसे चलेगी, तो गजब हो गया वहाँ कहते हैं। तो फिर उनके साथ जो चल रहे हैं उनका डॉक्टर मित्र, तो वह कहते हैं डरो मत, चलो, यह बस बहुत अनुभवी है, ये हमारे लिए हमारी माता की तरह है, या हमें उनके पुत्र के और अपने गोद में लेते हैं, जो ऐसे ही गोद में लेकर यहाँ हमें अपने स्थल तक छोड़ेगी, कहते हैं डॉक्टर मित्र। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे। तो जाएगा राजा रंक फकीर आदमी के कूच करने के लिए एक निमित्र चाहिए। तो उन पांच दोस्तों ने बस में बैठा, तो यहीं ने जो कुछ लोग छोड़ने के लिए आए थे वह इन्हें इस तरह से देख रहे कि यह इनकी अंतिम यात्रा है। उनकी आँखें इन्हें कह रही थी कि उनकी आँखें मैंने इन्हें कह रही थी कि आना जाना तो चलता ही रहता है, आए हो तो जाएंगे भी ज़रूर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए, तो आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए होता है। तो इंसान सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंसान है और हम इंसान के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंसान चल रहा था। हमें लगा रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंसान है। तो इंसान इस बस को सचमुच का स्टार्ट है, इंसान मतलब यह बस सचमुच स्टार्ट हो गया। तो यह जैसे सारी बस ही इंसान है, वैसे सारे बस इंसान है और हम इंसान के भीतर बैठे हुए वैसे लग रहा है। तो इस बस के कांच कुछ टूटे हुए थे, तो इसलिए हमारे दोस्तों ने उस शीशे से मतलब इन्होंने जो बच्चे थे उनसे यहाँ बच रहे थे, तो यहाँ खिड़की से दूर बैठे हुए थे। तो यहाँ बस चल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हम इसके सीट के नीचे तो उसके बाद बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यहाँ गांधी जी के असहयोगी और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर इंसान दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट की पार्टी से असहयोगी चल रहा था। तभी लगता सीट पार्टी के छोड़कर आगे निकल गई है। कभी लगता कि सीट को छोड़कर वाणी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो यह कहते हैं कि बस सचमुच में चलना शुरू करते हैं। बाद में कभी यह लगे सोचते हैं कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में यह बस जवान थी, यहाँ तभी यहाँ बस शुरू हुई होगी और इसे ट्रेनिंग भी मिली होगी। यह उस बस में बैठे हुए सब लोग यही सोच रहे थे। तो उन्होंने बस में बैठे तो इन्हें कभी लगता था कि यह सीट को छोड़कर वहाँ आगे जा रहे हैं और सीट को छोड़कर वापस आ रहे हैं। और इन्हें कभी कभी ऐसा भी लग रहा था कि सीट इनके ऊपर बैठे है, ऐसा लग रहा है। तो एक
ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंसान को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो इसके बाद बस जैसे चल रही थी तो एकदम से बस रुक गया था। तो तभी मालूम पड़ा कि पेट्रोल की टंकी में एक चेयर है, इसलिए पेट्रोल सब कुछ चला गया। तो ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाला और उसे बस में रखा और नली डालकर, बस का नाम इंसान था तो इसलिए कभी इंसान ही पुकार रहे तो इंसान पे वहाँ डालने लगे। फिर अब उन्होंने उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद वहाँ कंपनी के वहाँ जो इंसान था बस था उसे यहाँ धीरे धीरे पेट्रोल डालेंगे, जैसे माँ बच्चे को दूध की शीशी लगाती है। वैसे बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है या स्टीयरिंग टूट सकता है या प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं डर पड़ा हर पेड़ को अपना वहाँ निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि हमें इसमें बस गोता लगा जाएगी। तो बस की रफ्तार पेट्रोल डालने के बाद तेज हो जाती है। तो यहाँ सोचने लगते हैं कि अब उसके किसी हिस्से के बारे में हमारे कवि को उसके ऊपर भरोसा ही नहीं था, क्योंकि कभी ब्रेक फेल हो सकते थे या स्टीयरिंग टूट सकता था। इसलिए उन्होंने प्रकृति के दृश्य को देखना शुरू किया। दोनों तरफ हरियाली थी मगर पेड़ से भी अब उन्हें दुश्मनी डर से लगा था, क्योंकि जब भी कोई पेड़ आ जाता था तो उन्हें डर लगता था कि बस जाके उसे टकरा ना जाए। उस पेड़ के गुजरने के बाद दूसरे पेड़ का इंतजार करते थे और जब भी एक झील आता था तो कवि को डर लगता था कहीं बस झील में डुबकी ना लगा दे। तो एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वहाँ चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो कस्ट क्लास की है जी, यहाँ तो इत्तफाक है की बात है। तो एकदम फिर से बस रुक गया। ड्राइवर ने तरह तरह की कोशिश की मगर बस चल नहीं हुई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के लोग बोल रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यहाँ तो इत्तफाक भी है जी, कह रहे थे लोग। छाया के नीचे वहाँ बस बड़ी ध्यानिया लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्ध थककर बैठ गया हो। हमें ग्लानी हो रही थी कि बेचारे पर लटकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस व्यावन में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। तो उस पेड़ वृक्ष के सामने वहाँ बस रुक गया था। तो यहाँ लगता था जैसे बूढ़े लोग थक कर बैठ गए वैसा लगता था। तो इन्हें लगने लगा था कि बेचारे पर हमें लटक कर हमारे इस बैठ कर, तो अगर यहाँ तक अगर यहाँ मर गया तो इसके अंतिम संस्कार हमें यहीं पे करने पड़ेंगे, ऐसा लग रहा था कभी को। हिस्सेदार साहब ने
इंसान खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चले। उसकी चाल और काम हो गए थी। धीरे धीरे बुद्ध की आँखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोल कर वहाँ रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वहाँ एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वहाँ उम्र ही नहीं ही रही। तो इसमें से उस बस के काम वालों ने उस इंसान बस को खोला, ठीक किया, फिर बस चलने लगा। तो धीरे धीरे वह बस निकल जाओ बेटी, अब हमारा अब तो उम्र ही नहीं है कि तेज चल पाए। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिर से करके बैठ गया। वहाँ बहुत जोर से हिलकर थम गया। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाता। मैंने इस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वहाँ टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्संग की इसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भगवान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता वहाँ पसारे उसका इंतज़ार करते, जैसे वह महान आदमी और आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया और पर टायर नहीं बदला। तो एक पुलिया तो उस आते आते समय इसका टायर फट गया और टायर बाहर आने जैसा ही लगा। तो उन्होंने बस रोका, तो उस बस के आदमी को कभी नहीं देखा, तो उन्हें बहुत बुरा लगा कि यह मनुष्य कितना काम कर रहा है, कितना कोशिश कर रहा है, इस पुराने बस में यह कितना मतलब काम कर रहा है। मर भी जाता है तो भी भगवान ऊपर कहते होंगे कि इसका इंतज़ार करते होंगे कि इसने एक टायर के लिए अपनी जान गंवा दी है इसके लिए, और पर इसने टायर न तक नहीं बदला, ऐसे कह के इसका इंतज़ार करेंगे, ऐसे कह रहे हैं। कभी दूसरा घीसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीदें छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीदें छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीदें छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस की गुजारनी है और इसी बस में गुजारने हैं और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर इसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो ड्राइवर ने दूसरा टायर डाल दिया और फिर बस चालू हो गया। मगर पन्ना जो इन्हें पहुँचना था, उसका जो इनका हौसला था या उम्मीद थे, वह छोड़ दिया था। क्योंकि पन्ना कभी भी पहुँच के उम्मीदें यह छोड़ चुके थे। पन्ना हम कभी नहीं पहुँच सके। पन्ना क्या, कभी भी पहुँचने की उम्मीदें इन्होंने पूरी छोड़ दी थी। लगता था कि ज़िंदगी इसी बस में गुजर जाएगी।